लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। एक महत्वपूर्ण अवसर पर दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित विशेष संस्था आशा स्कूल ने 31 अगस्त 2023 को अपनी रजत जयंती मनाए। 31 अगस्त 1998 को स्थापित स्कूल व्यक्तिगत और पोषण शिक्षा का एक प्रतीक रहा है। 58 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र शिलोंग द्वारा मुख्यालय 101 क्षेत्र की तत्वाधन में संचालित आशा स्कूल ने विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को समर्पित शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी की रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में शिलोंग ने दिव्यांग बच्चों वाले कई परिवारों के जीवन को बदल दिया है। अपनी रजत जयंती को भव्यता के साथ मनाते हुए आशा स्कूल ने इस दिन को चिन्हित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉक्टर श्रीमती निवेदिता मालिक जोनल अध्यक्ष आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन 101 एरिया मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ जनरल ऑफिसर कमांडिंग COGC 101 एरिया लेफ्टिनेंट जनरल संजय मलिक भी मौजूद थे। उन्होंने विशेष बच्चों को शानदार प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन देने के लिए प्रिंसिपल और स्टाफ की सराहना की। सर्वोच्च सुविधाएं प्रदान करने और आशा स्कूल को क्षेत्र के बेहतरीन विशेष स्कूलों में से एक बदलने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति की सराहना करते हुए डॉक्टर निवेदिता मलिक ने बच्चों और उनके परिवारों पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम में अभिभावकों, शिक्षकों और विभिन्न स्कूलों के छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत पंजीकृत आशा स्कूल न केवल सशस्त्र बल कर्मियों की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि स्थानीय समुदायों की 14 विशेष बच्चों को भी समायोजित करता है। लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।